बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ने जा रहे वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। कि प्लेन मिरर में जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, जब ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी गिवन हो, तो इमेज की वेलोसिटी कैसे निकालनी है। तो बढ़िया बढ़िया सवाल प्रैक्टिस कराएंगे आपको और बढ़िया सा फॉर्मूला भी देंगे। जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाने को तैयार हो जाओ, इधर उधर के डिस्टर्बेंसेस बंद करो, चूहा मार के खाना भी बंद करो। तैयार हैं आप? यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर एंड ओनली योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आइए हेडिंग लगाते हैं वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, देखो सबसे बेस्ट ये है कि आप कॉपी पेन निकाल के साथ साथ में नोट्स बनाते चलो। जब मैं बोलूं वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करो तो ट्राई करो, अदरवाइज जो आलसी बच्चे हैं वो हमारी वेबसाइट www.physicswallaalakhpandey.com पे जाके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये लेक्चर, इसके प्रीवियस लेक्चर, सारे चैप्टर्स जितने हो गए हैं, नीचे मैं कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा। चलिए, वेबसाइट का प्रमोशन बहुत हुआ। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, तो हम क्या करते हैं इसमें पहला केस लेते हैं, केस 1, जब ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर चल रहा हो। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू मिरर, ठीक है, मिरर के परपेंडिकुलर। जैसे यहां पे हम मिरर बना लेते हैं, कच 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 कच, ये हमारा मिरर हो गया प्लेन मिरर। और मान लेते हैं कि प्लेन मिरर से एक्स दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है ओ, ठीक है। इसकी इमेज किस तरफ बनेगी? मिरर के अंदर बनेगी। कितनी दूर? जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज बनती है। तो मान लेते हैं यहां कहीं इमेज बनी आई, और मान लेते हैं ये डिस्टेंस है y, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर इमेज है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू y, या हम ये लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस y? ये ज्यादा सेंस बना रहा है। हमने डिस्टेंस मिरर से मेजर किया है, कहां से? मिरर से। अगर मिरर से इस तरफ प्लस वाई है तो भाई इस तरफ माइनस एक्स होगा। तो ये डिस्टेंस कहां से है? विद रिस्पेक्ट टू मिरर मेजर किए हैं हमने, ठीक। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट करेंगे, dx बराबर dt इज इक्वल टू माइनस dy बराबर dt। ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। x चेंज हो रहा है मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और dx by dt किसकी स्पीड हो गई? ऑब्जेक्ट की। कितनी तेजी से? x टाइम के साथ बदल रहा। तो इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसी तरह से इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज, कितनी तेजी से y चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास एक प्यारा सा, खूबसूरत सा, सुंदर सा रिलेशन आया, VO is equals to minus VI। इसका फील लेते हैं, थोड़ा फील चाहिए जीवन में सर, आओ तुम्हें फील देते हैं। मान लो यहां एक प्लेन मिरर है और आप इसके सामने खड़े हो, यहीं ये हो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आप खड़े हो, पीछे आपकी कहीं इमेज बनी है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर कहीं इमेज बनी हुई है। आपको लगा मैं अपनी इमेज के पास जाऊं दौड़ता दौड़ता, तो आप यहां से दौड़ना चालू किए विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना भागे? 5 मीटर। तो एक सेकंड बाद मान लो आप यहां पहुंच गए, कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर। अब मुझे बताओ जब आप यहां पहुंचोगे तो आपकी इमेज भी कहीं यहां आ जाएगी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, यानी ये भी एक सेकंड में कितना चला होगा? 5 मीटर, यानी इसकी स्पीड भी कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड। यही तो लिखा है वहां। नहीं फील हुआ भाई, आप मिरर से मान लो 10 मीटर दूर थे तो इमेज भी कितनी दूर थी? बोलो मेरे साथ, आप 10 मीटर दूर थे तो इमेज भी कितनी दूर थी? 10 मीटर। एक सेकंड में आप 5 मीटर आगे आ गए तो आपकी इमेज भी यहां आ जाएगी, ये डिस्टेंस 5 तो ये भी 5, तो भैया ये 5 नहीं होगा, यानी ये भी एक सेकंड में कितना चला? 5 मीटर। यही चीज तो लिखी है। अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को हम 5 मीटर पर सेकंड रखें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस 5 आ रही है। अरे भाई, एक तरफ पॉजिटिव मारोगे तो एक तरफ नेगेटिव। आ गया फील? समझ में आ गया? क्या वो 10 हो जाएगी? आप 5 से दौड़ रहे हो, इमेज शीशा तोड़ के आप तक आ जाएगी?
आप 5 से दौड़े वो 10 मीटर पर सेकंड से आप मिरर के पास पहुंचे, इमेज निकल के बाहर आ गई। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप 1 सेकंड में यहां आए और इमेज 1 सेकंड में यहां पार होने लगी। जितनी तेजी से आप चलोगे उतनी तेजी से इमेज चलेगा। ये 10 मीटर था मान लो, ये भी 10 मीटर, 1 सेकंड में आप 5 मीटर आगे आ गए, कितना बचा 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर होगा जो नई इमेज बनेगी। यानी इमेज कितना चली होगी 5 मीटर 1 सेकंड में। क्लियर एकदम फील आ गया इसका कि हां अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यहां पे 5 मीटर पर सेकंड मानेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज -5 मीटर पर सेकंड आएगी। बहुत बढ़िया। जरा एक खूबसूरत सा सवाल आपको मैं देता हूं, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं इसको, कितने प्रतिशत भारतीय। आओ देखते हैं। यहां मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो फिर से चल रहा 5 मीटर पर सेकंड से परपेंडिकुलर टू मिरर, परपेंडिकुलर टू मिरर, और मिरर चलने लगा ऑब्जेक्ट की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से। इस बार मिरर भी चल रहा है, मिरर भी मोशन में है, कितनी स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। हमसे कहा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, और हमसे क्या दिया इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करिए, यानी इस तरफ की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और इसके अपोजिट वाली नेगेटिव, जैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव है और मिरर की नेगेटिव। खैर पूछा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ऑप्शन देता हूं मैं आपको, देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीय इसको सही करेंगे। सो ऑप्शन ए इज -5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी -7 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी इज -3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी इज -9 मीटर पर सेकंड। चलो सोचो अब मिरर भी मूव कर रहा है, अगर मिरर नहीं मूव करता तो आंसर तो -5 होता, मिरर मूव करने पे भी -5 होगा। सोचो पॉज करके सोचो, सोचे भी सर, सर मुझे तो ऐसा लगता है कि -7 आंसर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यही होता है सोचने से ना आंसर कभी सही नहीं आता, पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई करनी पड़ती है, ये गलत है, ये 5 ये 2 7 अच्छा सर माइनस कर देते हैं 3 मीटर पर, ये भी गलत है। अब क्या बात हुई, अब यहां वापस कहानी में सीखो, आपने जो डिस्टेंस लिए थे वो मिरर के रिस्पेक्ट में लिए थे, मिरर से एक्स पीछे वाई आगे, तो इसीलिए माइनस माइनस लगा पाए थे आप, मिरर के रिस्पेक्ट में लिया था आपने, डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी लिखी, तो ये वेलोसिटी भी किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। जब मिरर रेस्ट पे था तब तो ये रिलेशन बहुत बढ़िया काम किया, पर जब मिरर मोशन में आ गया तब कहानी चेंज होगी। कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी इसको मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये समझ में आता है विथ रिस्पेक्ट टू, अरे 11th क्लास में पढ़ा था आपने वी ए बी, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या लिखते थे वी ए माइनस वी बी, याद आ गया velocity of a with respect to b va minus vb, याद आ गया, बहुत बढ़िया। यानी इसको मैं एक्सपैंड करके लिखूंगा velocity of object minus velocity of mirror, देखो vab va minus vb is equals to minus लगा लेते हैं बाहर, अंदर vab तो va minus vb बोला है vi minus vi। अच्छा इसको थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं कहानी को, ये माइनस वी आई को इधर ले आओ प्लस वी आई हो जाएगा, तो वी ओ प्लस वी आई इज इक्वल टू, है ना, माइनस वी आई को इधर ले आओ, वीएम को उधर ले जाओ, ये प्लस वीएम और ये माइनस माइनस, ये भी प्लस वीएम, देखो ये प्लस वीएम हो जाएगा माइनस माइनस और ये भी प्लस वीएम, दो वीएम, तो टू टाइम्स ऑफ वीएम इज इक्वल टू वी ओ प्लस वी आई। यहां से आप लिख सकते हो वीएम इज इक्वल टू वी ओ प्लस वी आई divided by 2, बोलो सही है, Vm is equals to Vo plus Vi divided by 2। और ये ध्यान देना है कि ये सारी velocity mirror के perpendicular है, अभी देखो case चल रहा है when object moves perpendicular to mirror, perpendicular to mirror है, यानी इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं Vm perpendicular, Vo perpendicular and Vi also perpendicular, All velocities are perpendicular to mirror। हाँ इससे वो केस भी बनेगा, मान लो मिरर रेस्ट पे है
मिरर रेस्ट पे है तो वीएम कितना हो जाएगा जीरो, वीएम को यहां जीरो पुट करो, टू उधर आएगा जीरो मल्टीप्लाई होके, फाइनली आपको मिल जाएगा वी ओ इज इक्वल टू माइनस वी आई जो आपने पहले लिखा था। ये रिलेशन काम करेगा जब मिरर रेस्ट पे हो, मिरर मोशन में है तब ये खेलना पड़ेगा। मिरर रेस्ट पे है, वीएम को जीरो रखा, टू इधर आके जीरो हो गया, वो भी वी ओ इज इक्वल टू माइनस वी आई। हाँ ये भी याद रखना है कि ये वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर टू मिरर। तो आप इसको भी याद रखो कि अगर मिरर रेस्ट पे है तो कुछ नहीं करना है, पांच का माइनस पांच, दस का माइनस दस, माइनस दस का दस कर देंगे, माइनस तीन का तीन कर देंगे, सात का माइनस सात, बहुत आसान। देखो ना यहाँ पे ये रिलेशन चल रहा है। बट अगर मिरर मोशन में है तब आप इस फॉर्मूले से खेलोगे। नोट करो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, छाप लें, पॉज करके छापें। अरे चाहे तुमको चाहेंगे हरिदम, हो गया, पॉज करके छाप लें, मिटा रहा हूं मैं। मर के भी दिल से ये प्यार न हो गए तुम, तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं। VM is equals to VO plus VI divided by 2, और याद रखूंगा मैं कि ये सारी वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर टू मिरर। अब इस रिलेशन में हम वाला क्वेश्चन रखते हैं पूरा। हमने उसमें कह रखा है कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, यानी इस तरफ की वेलोसिटी पॉजिटिव और इसके अपोजिट में नेगेटिव। वेलोसिटी ऑफ मिरर देखो कितनी है, दो, या मेरे ख्याल से माइनस दो क्योंकि पीछे की तरफ है, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, क्वेश्चन में दे रखा है, वरना आप अपने आप डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव सोच सकते हैं। इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव 5, पॉजिटिव डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ इमेज ना पता भाई, डिवाइड बाई 2, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस वी आई। यहां से आपको दिख रहा होगा कि वी आई आ जाएगा, ये 5 भी इधर चला जाएगा, माइनस 9 है ना। तो सोच के नहीं, क्वेश्चन में समझना पड़ता है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो। अब क्लियर है? तो अगर मिरर मोशन में हूं बच्चों तो ये फॉर्मूला यूज करना, VM is equals to VO plus VI divided by 2, इसमें एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना, चाहो तो इधर को पॉजिटिव मान दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है। और अगर मिरर मोशन में नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, जिधर जितनी इधर वेलोसिटी उतनी इधर लगा दो, या जितनी इसे जा रहा हो इसे कर दो, मतलब बराबर वेलोसिटी होगी और नेगेटिव डायरेक्शन। मान लो यही ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होता 5 से, तो इमेज उधर जाने लगती 5 से। नोट कर लें, आ गया ये, चलो बहुत बढ़िया, मिटा रहे इसको, चलो मिटा रहे। ओके, तो ये था व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू मिरर। जरा देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर का केस। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर, When object moves parallel to mirror, मान लो ये मिरर है, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। मान लो ऑब्जेक्ट यहां से चल पड़ा विथ वेलोसिटी वी ओ, एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वी ओ करेगा जो इसकी वेलोसिटी है। अगर ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में यहां पहुंचा तो इमेज भी एक सेकेंड में यहां पहुंचेगी, यानी इमेज भी एक सेकेंड में कितना चली, वी ओ। मान लो ऑब्जेक्ट एक सेकंड में छोटा, मान लो ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 5 मीटर चला ऊपर की तरफ, एक सेकंड में 5 मीटर चला ऊपर, तो अब ऑब्जेक्ट की नई इमेज कहां बनेगी, इसके सामने आई डैश, यानी इमेज भी उस एक सेकंड में कितना चली, 5 मीटर। यानी यहां कोई टेंशन नहीं है, जितनी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट उतनी ही वेलोसिटी ऑफ इमेज, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। मान लो अगले सेकंड में ऑब्जेक्ट फिर 5 मीटर चला, एक सेकंड और बीत गया, ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, ओ डबल डैश, इसकी इमेज कहां आएगी, यहां आएगी आई डबल डैश, यानी उस एक सेकंड में इमेज भी कितना चली, 5 मीटर। तो जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वही वेलोसिटी ऑफ इमेज है, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो पैरेलल में कोई टेंशन नहीं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कुछ नहीं, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अच्छा सर, इसमें भी अगर मिरर मूव करे तो क्या होगा, समझ में आ गया ना, ऑब्जेक्ट नीचे चलता तो इमेज नीचे चलती, पिछली बार ऐसा नहीं था, ऑब्जेक्ट इधर चल रहा था इमेज इधर, तो माइनस आया था,
अभी तो जिधर इधर गया उधर गया, नीचे जाएगा तो नीचे आएगी भाई, ऑब्जेक्ट की यहाँ पहुंच गया तो उसकी इमेज भी ऊपर पहुंच गई, एक सेकंड में जितना ऊपर ये उतने ऊपर ये, ठीक है। अब अगर इसमें मिरर मूव करने लगे, मान लो ये मिरर भी ऊपर भागने लगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर vm दे दिया, इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। अरे मिरर के ऊपर भागने से क्या होगा, मिरर की लेंथ बढ़ती जाएगी। दिमाग में सोचो, ऑब्जेक्ट भी चल रहा, इमेज भी चल रहा, मिरर भी ऊपर चल रहा, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मान लो ये मिरर मूव कर रहा होता, मान लो ये मिरर मूव कर रहा होता, तब भी इसकी इमेज तो यही बनती ना। यानी मिरर के मूव करने से, पैरेलल मूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑन वीओ और वीआई ऑन पैरेलल मोशन ऑफ मिरर। मिरर अगर पैरेलल मोशन करके दिया है तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, उससे ना ही परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा ना ही पैरेलल वेलोसिटी पे। पैरेलल की कहानी खत्म है, वीओ इज इक्वल टू वीआई, चाहे मिरर स्टिल हो चाहे मिरर मूविंग हो। नोट करें, नोट करें, फिर सवाल उठाएंगे बढ़िया बढ़िया। नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लें, हो गया। चल अब सवाल उठाते हैं बढ़िया। तो एक सवाल तो आपको करा चुके हैं, है ना, वो कराया था ना 5-2 वाला, उसको सवाल मान लो। क्वेश्चन नंबर टू इज, यहां पे एक प्लेन मिरर है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा विद स्पीड ऑफ 5√2, आई सर ये क्या किया, और एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये मिरर है, मिरर हमारा रेस्ट पे है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। चलिए पॉज करके इसको ट्राई करिए, जब मैं बोल रहा हूं पॉज करके ट्राई करिए तो करिए ट्राई एक बार, करिए 5 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, थोड़ा समय तो दो। कुछ आ रहा है? देखो क्या करोगे, इस बार ऑब्जेक्ट ना ही मिरर के परपेंडिकुलर है ना ही मिरर के पैरेलल है, दोनों तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लो, ये 5√2 45 डिग्री, तो इधर कितना आएगा 5√2 cos 45, ये इस तरफ आएगा। अगर मैं पूछूं v परपेंडिकुलर कितना है, देखो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करने होंगे, एक v परपेंडिकुलर और एक v पैरेलल, है ना, v परपेंडिकुलर v पैरेलल, v परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5√2 cos 45, cos 45 1/√2, तो कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा सर, है ना, cos 45 1/√2 5 आ गया, यानी v परपेंडिकुलर 5, और v पैरेलल कितना हो जाएगा 5√2 sin 45, वो भी 5 आ जाएगा, बोलो सही है, निकाल लो v पैरेलल निकालोगे कितना हो जाएगा 5√2 sin 45, है कि नहीं, इधर cos आ जाएगा इधर sin, sin 45 भी 1/√2 होता है तो ये भी 5 आ गया। अब बड़ा आसान है, ये ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर चल रहा है 5 से, पैरेलल चल रहा है 5 से, यहां का इमेज है। अब अगर ये प्लस 5 तो ये क्या होगी -5, चलो ये तो मिल गया सीधा सीधा, मिरर रेस्ट पे कोई टेंशन नहीं 5, और अगर ये 5 तो ये भी 5, पैरेलल में तो कोई टेंशन ही नहीं थी, नहीं आया। अरे भाई अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो वी आई इज इक्वल टू माइनस वीओ लिखोगे, परपेंडिकुलर कितना है 5 है, तो वी आई कितना हो जाएगा -5, कौन सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और अगर पैरेलल की बात करें तो वी आई इज इक्वल टू वी ओ लिख सकते हैं, तो वी आई भी कितना हो गया 5, देखो पैरेलल में ये 5 है परपेंडिकुलर 5, तो ये -5 और 5। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं वेलोसिटी ऑफ इमेज को, तो क्या लिखूंगा 5 पीछे की तरफ x में, तो -5i, और 5 ऊपर की तरफ +5j, बोलो सही, -5y पीछे की तरफ है तो माइनस लगाया, x में है तो i +5j। इसका मुझसे कोई मैग्नीट्यूड पूछे, वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड बताओ, बच्चों मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, याद है मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, x वाले का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, √2 बचेगा, 5√2 जो इसकी थी वो इसकी आई, 5 का स्क्वायर 25, 2 × 25 है ना, तो 25 में से फिर 5 बाहर आ जाएगा, अंदर √2 5√2 मीटर पर सेकंड, बोलो आ गया।
क्योंकि इस बार मेरा रेस्ट पे था तो ये 5 देखते ही मैंने सीधा माइनस 5 लगा दिया और ये 5 का तो 5 कॉपी हो जाएगा चाहे मेरा रेस्ट पे हो चाहे मोशन पे। अगला सवाल लें, ये क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ इमेज मैंने परपेंडिकुलर बताई माइनस 5 और पैरेलल हो गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लें, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, अगले सवाल में भी थोड़ी कहानी बढ़ाते हैं इस बार। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट गोज लाइक दिस 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री एंड मिरर इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एट एन स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, चलिए इस बार खुद से ट्राई करिए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, पॉज करके ट्राई करें, पॉज करके खुद से ट्राई करें। हो गया 1 2 3 4, चलो मैं करने जा रहा, ट्राई कर लो एक बार। आओ पहले इसको आप दो कंपोनेंट में बांटोगे, इसकी वेलोसिटी को, इसकी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट बांटोगे। ये 5 है, एंगल कितना है 37, अगर ये 37 है तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा 4 और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा 3। ये आपको कई बार हम सिखा चुके हैं क्लास 11th में कि ये जो ट्रायंगल होता है जिसकी एक साइड 5 होती है, ये एंगल 37 डिग्री होता है, ये साइड 4 होती है, ये साइड 3 होती है। नहीं पढ़ा था तो आप पढ़ लो, ये जो आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ रखा होगा ये ट्रायंगल बड़ा फेमस है 3 4 5 वाला। अगर ये साइड 5 है, ये एंगल 37 है, तो बेस होता है 4 और परपेंडिकुलर होता है 3। तो 5 का इस तरफ कंपोनेंट 4 और 5 का वर्टिकल कंपोनेंट देखो कितना आ गया 3। इधर 5 cos 37, ये 5 sin 37, ठीक है। इधर आता है 4 और ये वाला कंपोनेंट होता है 3, ठीक है, इसका याद रख सकते हैं। तो ये हो गया V परपेंडिकुलर और ये हो गया V पैरेलल। इस बार मिरर भी मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, परपेंडिकुलर स्पीड है। आओ तो इसमें दोनों मोशन को देखते हैं, पहले परपेंडिकुलर मोशन देखते हैं। परपेंडिकुलर के लिए इस बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, VM is equals to VO plus VI divided by 2, वो लगाना पड़ेगा क्योंकि इस बार मिरर भी मोशन में है। सारी स्पीड कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू मिरर होनी चाहिए। जब मिरर मोशन में हो तो ये फॉर्मूला वर्क करेगा कि नहीं। अच्छा फिर से इस डायरेक्शन को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लें, पॉजिटिव मान लें। अब देखो मिरर की स्पीड पीछे की तरफ 2, तो यहां लिख दिया माइनस 2। ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर स्पीड 4 पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहां लिखा 4 प्लस इमेज की स्पीड जो कि परपेंडिकुलर वाली डिवाइड बाय 2। ये 2 2 जा -4 और ये भी उधर जाके -4 -8, यानी VI परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू -8 मीटर पर सेकंड। चलो एक स्पीड तो मिल गई इमेज की, बोला है अगर ये इमेज है तो इसकी एक स्पीड तो आ रही -8, मतलब इस तरफ माइनस मतलब पीछे। और अगर ये 3 है तो ये तो 3 ही आएगा, कोई टेंशन ही नहीं है भाई, पैरेलल मोशन में तो कोई टेंशन ही नहीं है। वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल कितनी आ जाएगी 3। ये कंपोनेंट करने में किसी को टेंशन तो नहीं है, 5 cos 37 आता है 4, 5 sin 37 आता है 3, ये आता ही आता है। हो गया हाँ, अब इमेज की स्पीड अगर हम लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो वेलोसिटी ऑफ इमेज 8 पीछे की तरफ x में -8i ऊपर की तरफ 3 +3j। कोई हमसे कहे इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ vi √8² + 3² ये हो गया 63 मीटर पर सेकंड। और सही है, आ गया करना। इस बार ये फॉर्मूला क्यों यूज किया परपेंडिकुलर में, क्योंकि इस बार मिरर भी मोशन में था। अब इससे ज्यादा क्या पूछेगा, ऑब्जेक्ट को ऐसे चलाएगा या ऐसे चलाएगा, साथ में मिरर चला देगा, इससे ज्यादा क्या पूछ लेगा भाई। चलो एक आखिरी सवाल आप खुद से करके दिखाओगे, वादा है, ये वादा है, ये मेरा प्यार मेरी कसम है, नोट कर लिया। चलिए आखिरी सवाल खुद से करके दिखाइए, मिटा दे इसको, आ गया ये बड़ा क्लियर है। मैंने इसकी स्पीड को दो कंपोनेंट निकाले वेलोसिटी के, फिर परपेंडिकुलर पे सॉल्व किया, Vm पर Vm कितना है -2, V ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर स्पीड कितनी है +4, वहां से VI की परपेंडिकुलर -8।
और ये तीन है थ्री, तो तीन छप जाएगा, पैरेलल में कोई टेंशन है नहीं। आओ चलिए लास्ट सवाल आज का, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्वेश्चन 3, 4, 5 हो गया। अब फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, मैं वैल्यू आसान आसान ले रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, मैं तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है 2√2 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री के एंगल पे, और मिरर भी चल रहा है ऐसे विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, हो सकता है लिख दे फाइंड स्पीड ऑफ इमेज, क्या लिख दे स्पीड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड स्पीड ऑफ इमेज। स्पीड क्या होता है बच्चों, जो मैग्नीट्यूड आप लास्ट में लिखा हो ना अंडर रूट स्क्वायर करके मैग्नीट्यूड, वही स्पीड होती है। ट्राई करें खुद से, पॉज करके खुद से करेंगे ये वाला पक्का वादा, पॉज करके हो जाना चाहिए, कर लिया ट्राई, हो गया पॉज करके ट्राई कर ले, बहुत बढ़िया मैं करने जा रहा हूं। और देखते हैं वेलोसिटी निकालनी और स्पीड आ जाओ क्या करेंगे, अच्छा ये ऑब्जेक्ट रहा इधर चल रहा है 2√2 से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो बच्चों ये v परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 2√2 cos 45, cos 45 1/√2 तो ये 2 आ जाएगा, v पैरेलल ये कितना हो जाएगा 2√2 sin 45, sin 45 इज अगेन 1/√2, √2 कैंसिल ये भी आ गया 2, बोलो क्लियर है, लिखना पड़ेगा क्या ये सब, v परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 2√2 cos 45 कितना होता, इधर क्या cos आएगा ना, cos 45 1/√2 से √2 कैंसिल, दो v पैरेलल हो जाएगा 2√2 sin 45, लेबर वाला काम कर रहे हैं, sin 45 1/√2 से √2 कैंसिल 2 आ गया। फिर मिरर पे आओ, मिरर की बात करें तो मिरर इधर भाग रहा 5 मीटर पर सेकंड से, यानी मिरर की भी दो स्पीड बनेगी इस बार, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। परपेंडिकुलर में कितनी बनेगी 37 डिग्री, मैंने बताया ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 3, तो मिरर की भी दो स्पीड है, एक v परपेंडिकुलर है एक v पैरेलल है। चलिए अब हमको इमेज की स्पीड निकालनी है, तो पहले परपेंडिकुलर मोशन देख लेते हैं, क्या फॉर्म लगाएंगे, vm परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू vo परपेंडिकुलर प्लस vi परपेंडिकुलर डिवाइड बाय 2। vm परपेंडिकुलर कितना है 4 की माइनस 4, 4 इस डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर माने तो इस बार मिरर ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है ना, या ऐसे कह लो पॉजिटिव डायरेक्शन, हमेशा थोड़ी ना पीछे ही चलेगा, माइनस ही होगी, ऐसा कोई कांसेप्ट थोड़ी ना, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, देखो मिरर ऐसे भागना ऐसे यानी थोड़ा आगे चल रहा थोड़ा ऊपर, आगे चल रहा किससे 4 से, तो प्लस 4 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी हो गई 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय 2, 2 उधर जाके हो गया 8, 8 माइनस 2 इज 6, तो परपेंडिकुलर स्पीड आई 6 मीटर पर सेकंड, इस बार देखो पॉजिटिव आई, हमेशा नेगेटिव आया जरूरी नहीं है भाई, इधर गया 2 चौके 8, 8 माइनस 2 6, ठीक है। पैरेलल की बात करें तो कोई टेंशन ही नहीं है, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल, यानी सीधा सीधा वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल छाप दो, कितनी है ये 2, तो ये भी 2 खत्म, यानी इमेज को यहां बनाओ, इस बार इमेज कैसे चल रही परपेंडिकुलर में 6, कैसा 6 आया है प्लस, मतलब ये इस बार आगे जा रही, मिरर आगे मूव कर रहा उसकी वजह से कुछ ऐसा आया, और पैरेलल में 2, यानी अगर इसकी हम वेलोसिटी लिखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी प्लस 6i प्लस 2j, और अगर हमसे स्पीड पूछा था स्पीड क्या होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, तो मॉड लगा दो अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो गया 36 और 4 40 रूट 40 तो 2√10, बोलो सही है रूट 40 2√10 यही आया मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में आएगा एक कुछ ऐसे डायरेक्शन यहाँ 2√10 एट एंगल थीटा, थीटा आप निकाल सकते हो tan थीटा हो जाएगा 2/6, ठीक है। वैसे स्पीड पूछिए आपसे वेलोसिटी तो ये हो गई स्पीड ये हो गई,
एंड रूट 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 40, रूट 40 क्या हो जाएगा 4 into 10, 4 की जगह 2 बार। क्लियर है? तो वेलोसिटी इन प्लेन मिरर में इतनी ही बातें थी, यहां पे इसको हम करते हैं खत्म और अगले लेक्चर से हम लेके आते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।